बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने एक आभूषण कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के वक्त आभूषण कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। दुकान में चोरी होने के भय से वो अपने साथ दुकान में सारा सोना चांदी भी अपने बैग में समेट कर ले जा रहे थे। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया और हवाई फायरिंग कर उन्हें डराने की कोशिश की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट करते हुए सोने चांदी का बैग झपट लिया और मौके से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वारदात रविवार देर शाम की है। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान की कोशिश में जुटी है। आभूषण कारोबारी ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उनका एक स्टाफ दुकान बंद कर वहां से सारे सोने चांदी के जेवर अपने बैग में भरकर घर ले जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट कर सारा सोना चांदी लूट लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पूरी वारदात कैद हुई है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और हवाई फायरिंग करने के बाद दुकानदार से मारपीट कर बैग छीनते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये वारदात बलिया थाना क्षेत्र के छोटी बलिया स्थित बड़ी दुर्गा के स्थान के पास का है। इस वारदात में पूरी तरह से घायल स्टाफ छोटी बलिया के रहने वाले रविंद्र कुमार हैं। रविंद्र ने बताया कि उन्होंने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने मारपीट की। वारदात के वक्त उनके बैग में करीब 6 किलो चांदी और 450 ग्राम सोने के जेवर थे। दुकान बंद करके बैग के सामान लेकर सोना चांदी के दुकान वही रास्ता में तीन लड़का दो बाइक से था, एक दिन पीछा से मारा झोला, उसके बाद तीनों जगह लेके झोला भाग गया, गोली निकाला। उसके बाद जयंत चौधरी का रास्ता होकर भागा, तीनों विष्णु गर्दी के पास छिनाया। कितना जेवर था? लगभग 7-8 किलो चांदी, 450 ग्राम सोना, 500। पुलिस ने फिलहाल इस संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए घायल स्टाफ को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बेगूसराय से TV9 के लिए बबलू राय की रिपोर्ट।